इधर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने जल कल्याण पदयात्रा निकाली। जबलपुर से 24 सितंबर को शुरू हुई युवा कांग्रेस पदयात्रा गुरुवार को भोपाल पहुंची और पीसीसी के सामने एक सभा की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष शशांक भार्गव ने कहा कि प्रदेश में जनता को कैसे लूटा गया है। केंद्र ने 2 करोड़ युवाओं पर हर साल रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन देश में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जबलपुर से भोपाल तक की ये पदयात्रा थी। हम आम जनता से ये मांग करते हुए आए हैं, सबको बताते हुए आए हैं कि किस तरीके से इस देश में, प्रदेश में आपको लूटा गया है। भले ही इस प्रदेश में गद्दारी के मार्फत ये सरकार बनी हो, लेकिन आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है। केंद्र में किस तरीके से झूठे वादे करके 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करी गई थी और उस हिसाब से 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, लेकिन आज युवा बेरोजगार है। अतिथि शिक्षकों के साथ धोखा किया गया। यहाँ मध्य प्रदेश में जो भर्तियां रोकी गई हैं, उन सारी बातों को लेकर के युवक कांग्रेस के साथी यहां से पदयात्रा करते हुए आए हैं।